मेरी एक सलाह है मेरे प्यारे दोस्तों, तुम दोनों बहुत अलग हो ये सच है, पर तुम्हें मिलजुल कर रहना चाहिए और हमेशा एक दूसरे से अच्छा बर्ताव करना चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम मेरी ये सलाह हमेशा याद रखो, इसलिए अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। गोल्डन कॉकरेल। एक वक्त की बात है, एक गांव में एक बूढ़े अंकल रहते थे जिनके पास था सिर्फ एक पुराना घर, एक छोटा बगीचा और हाँ एक सुनहरा मुर्गा। और वो मुर्गा इतना अच्छा, इतना प्यारा और इतना सुंदर था कि उसे देख लो तो उस पर से नजर ही ना हटे। और सबसे जरूरी बात, वो सबके साथ घुल मिल जाता था, इसीलिए तो गाँव भर के बच्चे बूढ़े अंकल से मिलने उनके घर आया करते। सब मुर्गे के साथ खेलना चाहते, वो एक साथ गाना गाते और डांस करते, और बूढ़े अंकल उन बच्चों को देखकर खुशी से फूले नहीं समाते और उनकी आंखें भर आती और उनकी जिंदगी खुशी से बीत रही थी। और फिर एक दिन उनके पड़ोस में रहने आई एक बकरी। वो बकरी अपने पड़ोसियों को मजे करते देखती और दिन ब दिन उसकी जलन बस बढ़ती ही चली गयी। एक दिन उसके बर्दाश्त की हद ही हो गई। उसने फैसला किया कि वो बच्चों को डराकर भगा देगी, मुर्गे को चुरा लेगी, बूढ़े अंकल को उनके घर से बाहर निकाल देगी और उनके बगीचे की सारी गोभी खा जाएगी। अगली बार जब बच्चे बूढ़े अंकल के घर उनसे मिलने और खेलने आए तो बकरी धीरे से उनके पीछे आई और उनसे बड़ी ही डरावनी आवाज में कहा, हो जाए सावधान बच्चे सारे, बकरी आई है पास तुम्हारे, टूट गया है मेरा सबर, अब मैं लूंगी तुम सब की खबर, मैं तुम्हें मारूंगी, मैं तुम्हें मारूंगी। सारे बच्चे बहुत ही डर गए, सब यहाँ वहाँ भागे और अपने अपने घर चले गए। सुनहरा मुर्गा बूढ़े अंकल के घर चला गया और अंदर से चिल्लाया, खेल खत्म हुआ, मुझे मत छूना डरावनी बकरी, मैं यहाँ सेफ हूँ। पर बकरी बड़ी ही चालाक थी, वो खिड़की के पास आई और बड़े ही प्यार से बोली, डियर तुम्हारी मम्मी आ गई, ट्रालल्ला ट्रालल्ला। ओ नहीं, वो बकरी खिड़की के पास आई और उसने मुर्गे से कहा, सुनहरे मुर्गे प्यारे, प्लीज जरा मेरे करीब आ रे, कहते हो तुम हो बड़े ही प्यारे, करते हो सबके वारे न्यारे, चलो जल्दी से बाहर आओ, आकर ये वाला आलू खाओ। मुर्गे को आलू बड़े ही पसंद थे, इसीलिए वो ना समझ खिड़की पर जा बैठा और उसने पूछा, किस तरह का आलू लाई हो, क्या वो करारा है, गर्म चीज और मिर्च वाला। तभी बकरी ने उसे पकड़ लिया और जंगल की ओर निकल पड़ी, उसे जंगली जानवरों को खिलाने के इरादे से। मुर्गा अपने पंख फड़फड़ाते हुए चिल्लाने लगा, मुझे है इसने चुरा लिया, इसे न आई मुझ पर दया, ले जा रही है मुझे जंगल में जंगली जानवरों का खाना बनाने, मेरे प्यारे अंकल मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो प्लीज। बेचारे बूढ़े अंकल तो बहरे थे, वो अपने बेड पर लेटे रहे क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं सुना। बकरी ने मुर्गे को जंगल में छोड़ दिया, इससे पहले कि जंगली जानवर उसे खा जाते वो भाग निकली। फिर वो चल पड़ी बूढ़े अंकल को उनके घर से बाहर निकालने के लिए। उसने अपने सिंह दरवाजे पर मारे, मैं नहीं छोड़ूंगी, ये दरवाजा मैं तोड़ूंगी, मुझसे नहीं है कोई बचा, चाहे वो बूढ़ा हो या बच्चा, तैयार हो जाओ पिटने के लिए, आई हूँ मैं जीतने के लिए। बूढ़े अंकल बहुत डर गए, वो अपने घर से बाहर निकले और जंगल की ओर चले गए। वो रोते हुए चले जा रहे थे और अचानक उन्होंने जंगली जानवरों के एक झुंड को अपनी ओर आते हुए देखा। बूढ़े अंकल ने अपनी आंखें बंद कर ली, ओह अब मेरा अंत आ गया, सब खत्म हो गया। और फिर उन्होंने मुर्गे की आवाज सुनी, डरने की जरूरत नहीं अंकल, ये सब के सब है मेरे नए दोस्त, मैंने इन्हें नाचना और गाना सिखाया, चलिए हम वापस अपने गांव चलें और मिलकर हम उस बदमाश बकरी को सबक सिखाएं। जब बकरी ने जंगली जानवरों को देखा तो गोभी उसके गले में ही अटक गई। बाप रे, डरी हुई बकरी ने सोचा, अब तो ये सब मुझे मार डालेंगे, मेरा तो इस जहां से नामो निशान ही मिट जाएगा। तभी सुनहरे मुर्गे ने उसके पास आकर उससे कहा, सुनो बकरी, हम पड़ोसी हैं और पड़ोसियों को कभी लड़ना नहीं चाहिए, उन्हें तो एक दूसरे से दोस्ती करनी चाहिए, क्यों ना अब से तुम बूढ़े अंकल को अपना दूध दो और बदले में वो तुम्हें गोभी देंगे। बकरी ने इस बारे में सोचा, उस पर गौर किया, फिर जंगली जानवरों की ओर देखा,
तुम सही हो, मुझे क्या हो गया था। अपने पड़ोसियों के साथ घुल मिलकर रहने में ही भलाई है, इस तरह सबको दूध भी मिलेगा और गोभी भी, और सब खुशी खुशी रहेंगे। मैं यही तो कहना चाहती हूँ, हमें अपने आस पड़ोस में रहने वालों से हमेशा अच्छा बर्ताव करना चाहिए, फिर चाहे आपके पड़ोसी नुकीले सींग वाली बकरी हो या फिर जंगली जानवर। मुझे और रंगीन बिल्डिंग ब्लॉक्स की जरूरत है। ये क्या है? क्या आप इसे टावर कह सकते हैं? अगर आप कुछ करने का इरादा करते हैं तो उसे ऐसे कीजिए कि वो हर मुश्किल का सामना कर सके, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, जैसे इस कहानी में हुआ। एक वक्त की बात है, The Fox and the Rabbit. एक फॉक्स थी और एक रैबिट। फॉक्स का घर बड़ा ही सुंदर था, चमकीली बर्फ से बना हुआ। रैबिट का घर बना था लकड़ी का। फिर जब बसंत का मौसम आया तो फॉक्स का घर फौरन ही पिघल गया। रह गया सिर्फ पानी से भरा गड्ढा। सिर से पैर तक भीगी हुई फॉक्स रैबिट के पास गई और उसने कहा, रैबिट क्या तुम एक अच्छे दोस्त की तरह प्लीज मुझे अपने घर में रहने दोगे? वो रैबिट बड़ा ही दयालु था। जरूर मेरी प्यारी फॉक्स, तुम यहाँ रह सकती हो, प्लीज इसे अपना ही घर समझो, बस ध्यान रहे कि तुम मेरा फर्श गंदा ना करो। तो फॉक्स रैबिट के घर में रहने लगी और उसने खुद को सुखा दिया। वो बड़ी ही प्यारी लग रही थी। वो आईने में देखकर खुद को निहारने लगी। धीरे धीरे रैबिट का साथ होना उसे खलने लगा। उसके कान कुछ ज्यादा ही लंबे थे, उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही महंगी और उसकी पूंछ तो इतनी छोटी थी कि किसी को भी हंसी आ जाए। इसीलिए फॉक्स ने रैबिट को घर से निकालने का फैसला किया। निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं, वरना मुझे गुस्सा आएगा और मुझे भूख लगेगी और मैं तुम्हें खा जाऊंगी। चले जाओ और वापस आने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। रैबिट रोता हुआ रास्ते पर चला जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात हुई डॉग से। हे रैबिट, तुम रो क्यों रहे हो? वेल डॉग, बात ये है कि मेरे पास एक लकड़ी का घर था और फॉक्स का घर बना था चमकीली बर्फ का। जब बसंत का मौसम आया तो फॉक्स का घर पिघल गया। मैंने उसे अपने घर पर रहने दिया और उसने मुझे ही बाहर निकाल दिया। फिक्र मत करो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। चलो चले मेरे दोस्त, हम दोनों मिलकर उस अकड़ू फॉक्स से निपट लेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद डॉग ने भौंकना शुरू किया, पर फॉक्स के कान पर जू तक नहीं रेंगी। वो फॉक्स तो बस वहाँ आराम से लेटी रही। अचानक वो चिल्लाने लगी, हे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर भौंकने की? मैं नीचे आऊंगी, तुम पर कूदूंगी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी खाल के अलावा यहाँ और कुछ भी नहीं बचेगा। वो डॉग डर से कांपने लगा और वो वहाँ से दुम दबाकर भागने की तैयारी करने लगा। फॉक्स ने बाहर आकर कहा, डरो नहीं, वापस अंदर आ जाओ, इस घर में हम दोनों रह सकते हैं। और तुम भेंगी आँख वाले निकलो यहाँ से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में अफवाह फैलाने की? रैबिट रोता हुआ रास्ते पर चला जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात हुई वुल्फ से। हे रैबिट, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। प्यारे वुल्फ, प्लीज मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए एक प्यारा सा गाना गाऊंगा। और वो गाने लगा, चलो आओ कुछ खाओ, मेरे साथ ब्रेड खाओ और खुशी मनाओ। नहीं, मुझे नहीं लगता ये सही वाला गाना है। ओह, आगे बढ़ते हैं। फिर रैबिट ने उससे कहा, मेरे पास एक लकड़ी का घर था और फॉक्स का घर बना था चमकीली बर्फ का। जब बसंत का मौसम आया तो फॉक्स का घर पिघल गया। मैंने उसे अपने घर पर रहने दिया और उसने मुझे ही बाहर निकाल दिया। ठीक है, मैं मदद करूंगा, वुल्फ ने कहा, मैं सब ठीक कर दूंगा, चलो उसे बाहर निकालते हैं। जब वुल्फ पूरी तैयारी के साथ फॉक्स को बाहर निकालने आ रहा था, उसने उसे खिड़की से आते देखा और उसने उससे कहा, देखो हमारे साथ रहने कौन आया। अरे वाह, इस घर में हम तीन आराम से रह लेंगे। तुम अपने साथ इस बेकार रैबिट को क्यों ले आए? इसे यहाँ से निकाल दो। रैबिट रोता हुआ रास्ते पर चला जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात हुई बैर से। रैबिट, तुम रो क्यों रहे हो? ओ प्यारे बैर, बात ये है कि मेरा घर बना था चमकीली बर्फ का और फॉक्स का घर था लकड़ी का। ओ नो, बर्फ का घर तो उसका था, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर में उस फॉक्स ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो दोनों रैबिट के घर के पास पहुँचे और वो तरह तरह के एनिमल से भरा था, बिल्कुल एक ज़ू की तरह। घर में था एक माउस और टर्राने वाला एक फ्रॉग। घर खचाखच भरा हुआ था, उसमें एक बुल भी था और एलिफेंट भी। तरह तरह के जानवर थे, मुश्किल से अंदर फिट हो पा रहे थे। और फिर बैर को एक आइडिया आया और उसने कहा, ये तो कितना अच्छा और सुंदर घर है, मैं भी इसमें रहना चाहता हूँ।
उसने अंदर घुसने की कोशिश की जैसे कोई ना रुकने वाला बुलडोजर हो। घर के अंदर कोहराम मच गया। छोटे जानवर चीख रहे थे, बड़े वाले चिल्ला रहे थे और घर टूट रहा था। वो सब भाग गए और इस तरह उन्होंने घर को तहस नहस कर दिया, वो भी चुटकी में। वो ना भागते तो एक दूसरे को कुचल ही डालते। मैं यही समझाना चाह रही हूँ, अगर अजीब लोगों से आपकी दोस्ती है तो ऐसा घर बनाओ जो बड़ा और मजबूत हो। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1, 2, 3 और 4, 5, 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे। माइक्रोफोन में तुम कहो माशा एंड द बेयर मिले चलो। समझ गए नन्हे गुरु, अब आप भी हो जाओ शुरू।